3 साल पहले गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लोहा लेते शहीद हुए रीवा के दीपक सिंह की पत्नी अब सेना में लेफ्टिनेंट बनेगी। वह 29 अप्रैल को चेन्नई में पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगी। रेखा सिंह ने एमपी तक से खास बातचीत में अपनी जर्नी शेयर की। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद नायक दीपक सिंह वीर चक्र प्राप्त वीर नारी रेखा सिंह हमारे साथ हैं। रेखा सिंह अब सेना में लेफ्टिनेंट बनने जा रही हैं। आइए जानते हैं उनसे ये कैसा रहा सफर। सेना में आप जाने का मन बना ली और लेफ्टिनेंट के बतौर आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, कैसा रहा ये सफर? एक्चुअली मेरा ये जो पूरा सफ़र था बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि शादी के बाद बहुत जल्दी मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो गई, तो अपने आप को संभालना और फिर ये सारी चीज़ें करना मेरे लिए बहुत टफ़ था। उसके बाद मुझे पहले मैं नवोदय स्कूल में एज अ PGT फिजिक्स वर्क कर रही थी, उसके बाद फिर मैंने MP स्टेट गवर्नमेंट में वर्क 2 की जॉब कर रही थी, तो जॉब के साथ में ये इसकी प्रिपरेशन करना भी बहुत टफ़ था। बट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने फॉर्म फिल किया तो स्क्रीन आउट हो गई, फिर मैंने सेकेंड टाइम फिर से फॉर्म फिल किया, फिर उसके लिए मैंने अपने से और प्रिपरेशन की और कोचिंग ज्वाइन किया। ग्रेटर नोएडा MRS कोचिंग से मैंने कोचिंग ली और मुझे सबका सपोर्ट भी मिला। मेरे स्कूल में जो मेरी हेडमास्टर हैं उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे प्रिपरेशन के लिए वो टाइम देती थी मुझे। और फिर उसके बाद सुबह से मैं मतलब 5 बजे से उठ के खाना बना के और सुबह 8 बजे स्कूल जाके अपनी मैं कोचिंग ज्वाइन करती थी, और फिर क्लासेस भी लेना, और बहुत ज़्यादा मीन्स ईजी नहीं था मेरे लिए ये सब, बट मैंने किया। और फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मैं 4 फरवरी को 34 SSB इलाहाबाद से मैं रिकमेंड हुई, और सैनिक स्कूल रीवा से भी मैंने GTO की प्रैक्टिस की थी, प्रिंसिपल सर ने मेरी बहुत हेल्प की उसके लिए। और फिर उसके बाद मेरा वहाँ से रिकमेंडेशन होने के बाद मेडिकल हुआ, मेडिकल में भी मैं फिट थी। देन अभी मेरा 30 अप्रैल को मेरी मेरिट लिस्ट आउट हुई है, तो अब मेरा सेलेक्शन हो गया है, और 20 मई को मुझे OTA चेन्नई में रिपोर्टिंग करनी है। तो उससे पहले अभी मैं अपने फिज़िकल की ट्रेनिंग ले रही हूँ, यहीं पे एक सर्विस मैन है रमेश तिवारी से, उनके गाइडेंस में सर ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है, और बहुत मतलब मेरा फिज़िकल फिटनेस पहले बहुत वीक था, तो अब मैं बहुत फिज़िकली फ़िट हो गई हूँ। तो होप सो मेरी जो ट्रेनिंग है, क्योंकि ट्रेनिंग भी बहुत टफ होती है, तो शायद मैं ट्रेनिंग अच्छे से अपनी कंप्लीट कर पाऊँगी और आफ्टर 1 ईयर मैं एज अ लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनूँगी। पहले आप शिक्षक थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने जो है सेना में जाने का रास्ता चुना? एक्चुअली टीचर मैं हमेशा, मुझे फिज़िक्स टीचर बनना था, और बट मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं ऑफिसर बनूं, तो वो हमेशा बोलते थे कि टीचर का मत सोचा करो, कुछ आगे कुछ बड़ा करने का सोचा करो। तो उनके जाने के बाद मैंने सोचा कि उनका सपना मैं पूरा करती हूं, और उन्हीं के जैसे उनका यूनिफॉर्म जैसे वो पहनते थे तो मैं भी पहन सकूँ, और जो उन्होंने लाइफ स्पेंड की थी, तो अब मैं भी, मुझे भी चांस मिल गया है कि मैं भी अब उन्हीं की लाइफ वहाँ पर जाकर वो जी सकूँगी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी आर्मी में जाना है। और मैं ऐसा करूँगी तो हमारे एरिया में अभी मुझे लगता है आर्मी में कोई भी लड़की शायद ऑफिसर नहीं बनी है, एयरफोर्स में तो बन गई हैं बट आर्मी में शायद अभी नहीं बन पाई हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो इससे और जो अदर्स गर्ल्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, और वो भी आगे आर्मी में जाने के लिए मोटिवेट होंगी, और तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब आर्मी में जाना है। रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट MP तक।